हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग पेपर्स के ऊपर कि किस टाइप के ड्राइंग पेपर्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखी है, मैंने आपको आइवरी रिकमेंड किया हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ कि मैं कौन सा पेपर आपको रिकमेंड करता हूँ, और काफ़ी लोगों का अभी भी डाउट है इसके ऊपर, जो भी बिगिनर्स हैं, कि कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, किस तरह का पेपर, मतलब कौन से टाइप के पेपर्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो पहले देख लेते हैं, दो टाइप के पेपर होते हैं, एक तो रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो इस पहले देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से हम उसमें शेडिंग कर सकते हैं। तो लेट्स सी। सो गाइज, ये है मेरे पास रफ पेपर जो कि फेब्रियानो का है। ये मैंने अमेजोन से बाय किया था 600 रुपीज़ का, और इसके अंदर 50 शीट्स आई थी। तो ये कार्ट्रेज शीट्स हैं जो कि बिल्कुल रफ शीट्स हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो ये है रफ शीट्स जो कि आप देख सकते हैं, कुछ खुरदरी टाइप की हैं। ये शीट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में। और ये शीट्स हैं आइवरी वाली जो कि मैं यूज़ करता हूँ, ये स्मूथ होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। और आप कलर देख सकते हैं, दोनों में कलर का काफ़ी डिफरेंस है। आइवरी की जो शीट्स होती हैं वो बिल्कुल वाइट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये शीट्स काफ़ी स्मूथ होती हैं, अगर आप कार्ट्रेज से कंपेयर करोगे तो देख लो काफ़ी स्मूथ हैं। मेरे पास और भी पेपर्स हैं, जैसे कि ब्रिस्टल पेपर है, ये कैंसन का, ये भी स्मूथ होता है। और मेरे पास ब्रिस्टल पेपर ब्रूस्टर ब्रांड का भी है, ये भी स्मूथ होता है। तो ये आइवरी, ये तीनों शीट सेम होती हैं, बस थोड़ी क्वालिटी का फ़र्क होता है, बाकी ये सब स्मूथ होती हैं। अब कंपैरिजन करके देखते हैं रफ और स्मूथ शीट का। ये मैंने एक पेज ले लिया है कार्ट्रेज शीट का, और कलर में आपको काफ़ी डिफरेंस दिख जाएगा। आइवरी पेपर काफ़ी वाइट होता है, कार्ट्रेज में भी आपको वाइट मिल जाएगी, बट नॉर्मली इसी कलर की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो मैं इसका यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले ही ड्राइंग कर रखी है, तो उसको वेस्ट क्यों करें। तो इसी के ऊपर शेडिंग करके देखेंगे। ये आइवरी पेपर ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं वाइट है, और इसके ऊपर मैंने पहले ही ड्राइंग कर रखी है, तो मैंने सोचा इसी के ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ स्टेडलर की 4B पेंसिल, और शेडिंग देखते हैं किस तरह की होती है दोनों में। जो रफ पेपर होता है वो ग्रेफाइट या फिर चारकोल कुछ ज़्यादा ही ले लेता है अपने ऊपर, और आपको बीच में वाइट वाइट से पैचेस दिखते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। बट स्मूथ पेपर के ऊपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग मिलेगी, बट आपको लाइट मिलेगी। आपको डार्क के लिए आपको डार्क पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल स्मूथ शेडिंग मिल रही है। अगर मैं ब्लेंडिंग की बात करूँ तो रफ़ पेपर के ऊपर ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है, क्योंकि उसमें जो ग्रेफाइट है हमारा वो बिल्कुल अच्छे से उसके पेपर के अंदर चला जाता है। बट स्मूथ पेपर के ऊपर आपको बिल्कुल स्मूथ ब्लेंडिंग मिलती है। अब मैं आपको इसी पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डार्क रिजल्ट्स दिखाता हूँ रफ़ पेपर के ऊपर। तो रफ़ पेपर का ये भी बड़ा फ़ायदा होता है कि आप बिल्कुल कम ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करके बिल्कुल डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना डार्क लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 8B या 10B पेंसिल का यूज़ कर दिया है। बट स्मूथ पेपर के ऊपर ऐसा नहीं होता है, अगर आपको उसमें डार्क करना है तो या तो आपको डार्क ग्रेड की पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। एक ही पेंसिल से आप पूरी कंप्लीट ड्राइंग नहीं कर सकते एक पेपर के ऊपर, स्मूथ पेपर के ऊपर। बट अगर आपको डार्क करना है तो आपको चारकोल या फिर 10B 8B का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। अब चारकोल पेंसिल का यूज़ करके देखते हैं दोनों पेपर के ऊपर। तो मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। चारकोल पेंसिल से आपको बिल्कुल सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, बट स्मूथ पेपर के ऊपर आपको थोड़ा स्मूथ लगेगा और रफ़ पेपर के ऊपर आपको थोड़ा रफ़ लगेगा, क्योंकि उसमें पैचेस होते हैं वाइट 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 से, बीच में डॉट से दिखेंगे आपको, बट ऐसा आपको स्मूथ पेपर के ऊपर नहीं दिखेगा क्योंकि वो स्मूथ होता है। अगर मैं इरेज करने की बात करूँ तो रफ़ पेपर के ऊपर इरेज अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें इरेज करने के लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो पैचेस होते हैं वो रह जाते हैं, जो हमारी ग्रेफाइट है वो रह जाती है, क्योंकि इसमें जो रफ़ होता है पेपर उसके वजह से, तो इसमें इरेज करना काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो अब कलर पेंसिल ट्राई करके देखते हैं। तो मैं फेबर कैस्टल की BI कलर पेंसिल ट्राई कर रहा हूँ, रेड वाली। कलर पेंसिल्स के लिए आप कोई भी पेपर का यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, मैं तो आइवरी का ही यूज़ करता हूँ। बट अगर आपको बिल्कुल जल्दी जल्दी स्टिल लाइफ ड्रॉ करने हैं या फिर शेडिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए आपको रफ़ पेपर ही ज़्यादा सही रहेगा। मैं अभी आपको जैसे कि एक ग्लास ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसमें आपको मान लो एक ही पेंसिल आपके पास और आपको जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक ही पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि रफ़ पेपर के ऊपर आप थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो डार्क हो जाएगा। तो आप एक ही पेंसिल का यूज़ करके कंप्लीट ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आप स्टिल लाइफ प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं शेडिंग वगैरह की। बट अगर मैं इसी को सेम स्मूथ पेपर के ऊपर ड्रॉ करूं
तो मैं इतना डार्क नहीं कर पाऊंगा जितना मैंने इसमें किया, जितने मैंने इसमें डेप्थ दिखाई एक ही पेंसिल का यूज़ करके। मुझे डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा अगर मुझे इतना डार्क बनाना है। बट मैं अगर इसी पेंसिल का यूज़ करूँगा तो किस तरह से ड्रॉ होगा मैं आपको दिखा देता हूँ स्मूथ पेपर के ऊपर। सो गाइस यही सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको रफ़ पेपर का यूज़ करना है तो आपको बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको स्मूथ पेपर का यूज़ करना है बिल्कुल रियलिस्टिक ड्रॉ करना है तब आपको डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा। बट स्मूथ पेपर के ऊपर आपको बहुत टाइम लगेगा कुछ भी ड्रॉ करने में, बट रफ़ पेपर के ऊपर आप एक ही पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी अच्छे से डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। 4B या फिर 4B या 6B पेंसिल का यूज़ करके, 6B से ऊपर आपको नहीं चाहिए होगी अगर आप रफ़ पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो। मैं आपको मेरी कुछ ड्राइंग दिखा देता हूँ जो कि मैंने रफ़ साइड ड्रॉ की थी, जो आइवरी पेपर है उसके मैंने रफ़ साइड ड्रॉ की थी ये वाली ड्राइंग। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको पैचेस दिख रहे होंगे बीच में, बट ड्राइंग काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाई है तो इसमें आपको पैचेस दिख रहे होंगे बीच में, तो शेडिंग भी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रही है। बट फिर भी आप काफ़ी अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं रफ़ पेपर के ऊपर भी। इस ड्राइंग में देखो आपको बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है फेस, क्योंकि ये आइवरी पेपर है स्मूथ वाला, और ये जो मैंने ड्राइंग ड्रॉ की थी ये भी मैंने आइवरी के स्मूथ वाले पार्ट पे ड्रॉ की थी, तो इसमें भी आपको बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है। इसमें मैंने बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं किया है, ना कलर पेंसिल में ब्लेंडिंग की है और ना ही ग्रेफाइट वाली में ब्लेंडिंग की थी। और ये जो टाइगर स्ट्रोक वाली ड्राइंग है इसमें भी मैंने स्मूथ का यूज़ नहीं किया, इसमें मैंने रफ़ का यूज़ किया है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें जो क्लॉथ हैं वो काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो पाए हैं बिल्कुल ब्लैक, और हेयर में मैंने चारकोल का यूज़ किया था। तो ये भी देख सकते हैं आप काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हुआ जो कि मैंने रफ पेपर के ऊपर ही ड्रॉ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए। अगर आप एक बिगिनर हैं, आपको अभी शेडिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपने शेडिंग की अभी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैं कहूँगा आपको रफ़ पेपर यूज़ करो, क्योंकि रफ़ पेपर के ऊपर जो आप शेडिंग है उसकी प्रैक्टिस काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप एक ही पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी अच्छी शेडिंग कर सकते हैं, और जो उसकी शेडिंग है वो काफ़ी डार्क होती है जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, बिल्कुल लाइट ग्रेड की पेंसिल से भी। और आपका बहुत टाइम बचेगा अगर आप स्मूथ पेपर का यूज़ करोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, आपको बार बार पेंसिल्स को घिसना पड़ेगा, बार बार डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आप रफ़ पेपर का यूज़ करके प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी जल्दी मिलेंगे, और ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं मिलेंगे बट आपकी जो शेडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है काफ़ी ज़्यादा शेडिंग की शेप्स की तब आप यूज़ कर सकते हैं स्मूथ पेपर, ट्राई कर सकते हैं। बाकी आप खुद ट्राई करके देखो स्मूथ और रफ़, जो आपको सूटेबल लगे अपने हिसाब से उसको आप यूज़ करो। कई लोग सिर्फ रफ़ का ही यूज़ करते हैं, कई लोग सिर्फ स्मूथ का ही यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर बढ़िया होता है, सभी पेपर के अलग अलग एडवांटेज होते हैं, अपने फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया रफ़ पेपर के ऊपर कितनी बढ़िया शेडिंग हो रही है बिल्कुल डार्क, बट स्मूथ पेपर के ऊपर आपको बिल्कुल स्मूथ इफेक्ट मिल रहा है। तो अपने अपने पेपर के अपने अपने एडवांटेज होते हैं, जिनको आप खुद यूज़ करो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, जो आपको अच्छा लगे उसको यूज़ करो। मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में कह रखा कि आप आईवी पेपर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आईवी पेपर के ऊपर आपको रफ़ भी मिल जाता है और स्मूथ सरफेस, दोनों सरफेस मिल जाते हैं, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया मैं कभी रफ़ का यूज़ करता हूँ कभी स्मूथ का यूज़ करता हूँ, बट ज़्यादा मैं स्मूथ का यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे रियलिस्टिक ड्रॉ करना काफ़ी अच्छा लगता है। बट मैंने प्रैक्टिस के टाइम पे ओनली कार्ट्रिज शीट ही यूज़ की थी, कार्ट्रिज शीट पे ही मैंने सारी प्रैक्टिस की थी, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कार्ट्रिज शीट का यूज़ करके। सो गाइस इस वीडियो में मुझे आपको बस यही बताना था रफ़ पेपर और स्मूथ पेपर में डिफरेंस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप रफ़ पेपर का यूज़ करो अगर आपको आउटडोर स्केचिंग करनी है, आपको लाइव स्केचिंग करनी है, या फिर आपको जल्दी जल्दी कोई भी स्केच ड्रॉ करना है, क्योंकि स्मूथ पेपर के ऊपर आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आपको डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपको जल्दी जल्दी आउटडोर स्केचिंग करनी है, जल्दी जल्दी स्टिल लाइफ ड्रॉ करना है, तब आप स्मूथ पेपर का यूज़ मत करो, आप रफ़ का ही यूज़ करो। आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आप मार्केट में जाके कार्ट्रिज पेपर बाय कर सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी स्किल मैटर करते हैं, अगर आपकी शेडिंग अच्छी है तो आप किसी भी पेपर के ऊपर काफ़ी अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, बट स्मूथ पेपर के ऊपर जैसे कि मैंने आपको दिखाया काफ़ी स्मूथ शेडिंग होती है, काफ़ी स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। सो गाइस इस वीडियो में बस आपको यही बताना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। विल सी माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।